अगर आप मेमोरी फोम या फिर लेटेक्स मैट्रेस लेने की सोच रहे हैं और कंफ्यूज है कि कौन से मैट्रेस के साथ जाना चाहिए, क्योंकि इन दोनों ही मैट्रेस में आपको अच्छे खासे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं, प्रोज देखने को मिल जाते हैं, कॉन्स देखने को मिल जाते हैं। एंड हाँ, अगर आप कंफ्यूज है कि आपको कौन से मैट्रेस के साथ जाना चाहिए, अगर आप ओवरवेट है या फिर अगर आपके पास 2 से 3 साल का बेबी है या फिर अगर आपको हीटिंग इशू का प्रॉब्लम है। एंड लास्ट में इन दोनों ही मैटर्स से रिलेटेड काफी ज्यादा पूछे जाने वाले सवाल के बारे में भी डिस्कस करेंगे। एंड हाँ, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बताना चाहूंगा कि हमने ऐसी काफी सारी डिटेल रिव्यू बना रखी है मेमोरी फोम के ऊपर एंड लेटेक्स मैट्रेस के ऊपर। तो अगर आपको बेस्ट मेमोरी फोम या फिर लेटेक्स मैट्रेस की लिस्ट चाहिए तो आप हमारे चैनल पेज को चेकआउट कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं इन दोनों ही मैटर्स के प्रोज एंड कॉन्स के बारे में, ताकि आपको थोड़ा बहुत अंदाजा हो जाए इनके बेसिक फीचर से कि आपको कौन से मैटर्स के साथ जाना चाहिए। तो बात करते हैं सबसे पहले मेमोरी फोम मैटर्स के बारे में। तो देखो, ये जो मेमोरी फोम मैटर्स होता है, ये एक पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट है। ये एक पॉलीयुरेथेन नाम के केमिकल से बनाया जाता है। एंड हाँ, इसे आप अंदाजा लगा सकते कि आप एक केमिकल ब्लॉक के ऊपर सो रहे हैं, क्योंकि ये जो मेमोरी फोम होता है अपने केमिकल नेचर के कारण विस्को इलास्टिक प्रोडक्ट बन जाता है यहाँ पे। अभी विस्को इलास्टिक का मतलब यहाँ पे ये है कि ये जो मेमोरी फोम होता है ये स्लोली हार्मफुल गैसेस को प्रोड्यूस करता है, जिनसे आपको काफी सारे भारी भरकम हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, जैसे कि इनफर्टिलिटी, ब्रेन ग्रोथ इश्यूज एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो हाँ, जब भी आप किसी भी मेमोरी फोम मैट्रेस के साथ जा रहे हो तो एक बेहतर ब्रांड के साथ जाएं, क्योंकि अगर आप जब भी मैट्रेस खरीदते तो उसे कम से कम 10 साल तो चलाने की सोचते ही हैं। एंड अगर आप इस तरीके से किसी भी खराब मेमोरी फोम मैट्रेस के साथ जाएंगे तो ये स्लोली आपके हेल्थ को काफी बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है। तो आप जब भी किसी भी मेमोरी फोम मैट्रेस के साथ जाएं, एक ट्रस्टेड ब्रांड को जरूर कंसीडर करें। अब बात कर लेते हैं इसके नेक्स्ट फीचर के बारे में। तो देखो, ये जो मेमोरी फोम मैट्रेस होता है, अपने इस सॉफ्ट नेचर के कारण इसमें आपको सिंक इन का फीचर देखने को मिल जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि ये जो मेमोरी फोम मैट्रेस होता है ये आपके बॉडी के अकॉर्डिंग एडजस्ट हो जाता है। एंड ये प्रेशर रिलीफिंग एंड पेन रिलीफिंग में काफी ज्यादा बेहतर ऑप्शन में से एक है। तो हाँ, अगर आपको थोड़ा बहुत ब्लड सर्कुलेशन रिलेटेड प्रॉब्लम है या फिर अगर आपको थोड़ा बहुत हल्का फुल्का बैक पेन का इशू है, तो हाँ, ये मेमोरी फोम काफी बेहतर ऑप्शन में से एक बन जाता है। लेकिन हाँ, ये जो मेमोरी फोम अपने इसी सिंक इन वाले फीचर के कारण इसमें आपको स्लो रिस्पॉन्स देखने को मिल जाता है। अभी जो स्लो रिस्पॉन्स है, इसके कारण आपको दो प्रॉब्लम देखने को मिल जाती है। पहली, कि ये जो मेमोरी फोम है ना, ये अपने शेप को रिटेन करने में, रिगेन करने में थोड़ा बहुत टाइम लगाता है, जिसके कारण क्या होता है कि अगर आप सोते समय बहुत ज्यादा करवटें वगैरह बदलते हैं तो आपको थोड़ा बहुत अनकंफर्टेबल फील हो सकता है। एंड दूसरा, कि इसमें आपको एज सपोर्ट काफी ज्यादा पुअर देखने को मिल जाता है। जैसे कि आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं कि इसके इसी सॉफ्ट नेचर के कारण, इसके सिंक इन वाले फीचर के कारण, इसमें आपको ये जो एज सपोर्ट देखने को मिलता है ये काफी पुअर देखने को मिलता है। तो हाँ, अगर आपके पास 2 से 3 साल का बेबी है तो ये मेमोरी फोम मैट्रेस इतना अच्छा ऑप्शन नहीं है। अब बात कर लेते हैं मेमोरी फोम मैट्रेस के नेक्स्ट फीचर के बारे में। तो देखो, ये जो मेमोरी फोम मैट्रेस होता है ना, इसमें आपको मोशन आइसोलेशन का भी फीचर देखने को मिल जाता है। अभी जो मोशन आइसोलेशन है, इसका मतलब ये है कि एक साइड की जो डिस्टरबेंस है वो दूसरे साइड में मैट्रेस के ऊपर ट्रांसफर नहीं होगी। तो अगर आप कपल है या फिर 2 लोगों के लिए मैट्रेस ले रहे हैं तो ये काफी बेहतर ऑप्शन में से एक बन जाता है। सोते समय अगर एक साइड का बंदा बहुत ज्यादा करवटें वगैरह बदलता है तो दूसरे साइड के बंदे की नींद खराब नहीं करेगा। एंड हाँ, यहाँ पे बहुत ज्यादा चौंकने वाली बात बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये जो मोशन आइसोलेशन का फीचर है आपको लेटेक्स मैट्रेस में भी देखने को मिल जाता है। लेकिन हाँ, ये जो ज्यादा पॉपुलर है ये मेमोरी फोम मैट्रेस में। बाकी इन सारे मेजर प्रोज के अलावा मेमोरी फोम में आपको और छोटे मोटे प्रोज भी देखने को मिल जाते हैं, कि ये जो मेमोरी फोम मैट्रेस होता है ये आपको अफोर्डेबल प्राइस में देखने को मिल जाता है। जितने भी बेस्ट क्वालिटी के मेमोरी फोम होते हैं वो आपको 12 से 13 हजार में देखने को मिल जाएंगे। एंड हाँ, यहाँ पे मैं एक और बात पॉइंट आउट करा दूं, ये जो मेमोरी फोम मैट्रेस होते हैं काफी ज्यादा साइलेंट मैट्रेस माने जाते हैं, क्योंकि जितने भी स्प्रिंग मैट्रेस होते हैं वो काफी ज्यादा आवाज करते हैं कुछ समय बाद, लेकिन ये जो मेमोरी फोम मैट्रेस होते हैं या फिर लेटेक्स मैट्रेस होते हैं ये काफी ज्यादा साइलेंट मैट्रेस माने जाते हैं। तो ये तो थे कुछ प्रोज एंड थोड़े बहुत कॉन्स जो कि आपको मेमोरी फोम मैट्रेस में देखने को मिल जाते हैं। लेकिन इन सब के अलावा आपको कौन से केस में मेमोरी फोम कंसिडर नहीं करना चाहिए, उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो देखो, ये जो पहला केस आता है जहां पे आपको मेमोरी फोम कंसिडर नहीं करना चाहिए, वो है हीटिंग इशू। तो देखो, ये जो हीटिंग इशू है, इसके बारे में मैं हमेशा ही अपनी वीडियो में कहता हूं कि ये जो मेमोरी फोम मैटर्स होते हैं या फिर कोई भी फोम बेस्ड मैटर्स होते हैं, इन सब में आपको हीटिंग इशू देखने को मिल जाता है। तो हाँ, अगर आप हीटिंग इशू के प्रोस्पेक्टिव से कोई मैटर्स ले रहे हैं तो मेमोरी फोम बाय चांस इतना अच्छा ऑप्शन नहीं है। लेकिन हाँ, यहाँ पे हीटिंग इशू को लेकर थोड़ा बहुत एक्सेप्शन है, कि ये जो मेमोरी फोम होते हैं इसमें आपको कूलिंग जेल, जेल पार्टिकल या फिर ग्रेफाइट पार्टिकल के भी ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि आपको मेमोरी फोम में भी कूलिंग के ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। लेकिन हाँ, यहाँ पे जेल पार्टिकल से रिलेटेड एक नेगेटिव इफेक्ट है जो कि आपके हेल्थ के ऊपर देखने को मिलता है, कि ये जो कूलिंग जेल होते हैं या फिर ये जो जेल पार्टिकल होते हैं, कि ये क्या काम करते हैं कि सोते समय आपकी बॉडी से हीट अब्सॉर्ब कर लेते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि आपकी बॉडी को अगेंस्ट द टेम्परेचर काम करना होता है अपनी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए। तो हाँ, ये एक छोटा सा नेगेटिव इंपैक्ट है जो कि आपको कूलिंग जेल पार्टिकल बेस्ड मेमोरी फोम में देखने को मिल जाता है। अब अगले पॉइंट की बात कर लेते हैं जहां पे आपको मेमोरी फोम कंसीडर नहीं करना चाहिए। तो देखो, जैसे कि मैंने ऊपर बात की कि ये जो मेमोरी फोम होते हैं इसमें आपको स्लो रिस्पॉन्स देखने को मिल जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि इसमें आपको एज सपोर्ट काफी ज्यादा पुअर देखने को मिलता है। तो हाँ, अगर आप मेमोरी फोम अपने पेरेंट्स या फिर बेबी के लिए कंसीडर कर रहे हैं तो मे बी ये इतना अच्छा ऑप्शन नहीं होगा। एंड हाँ, अगर आप सोते समय बहुत ज्यादा करवटें वगैरह बदलते हैं तो मेमोरी फोम के लो रिस्पॉन्स होने के कारण ये आपको अनकंफर्टेबल प्रोवाइड कर सकता है। एंड तीसरा कारण जहां पे आपको मेमोरी फोम कंसीडर नहीं करना चाहिए, वो है कि अगर आप ओवरवेट या फिर आप बहुत ज्यादा हैवी यूज के लिए मेमोरी फोम ले रहे हैं तो ये इतना अच्छा ऑप्शन नहीं है, क्योंकि इस कारण से ये बहुत ही जल्दी सैक कर जाएगा, या फिर सिंपल शब्दों में कहे कि ये अपनी फॉर्मुलेस को लूज कर देगा। तो हाँ, ये थे थोड़े बहुत प्रोज कॉन्स एंड मेजर कारण जहां पे आपको मेमोरी फोम को कंसीडर नहीं करना चाहिए। तो आप बात कर लेते हैं लेटेक्स मैट्रेस के प्रोज एंड कॉन्स के बारे में। तो देखो, ये जो लेटेक्स मैट्रेस के प्रोज है ना, अगर इनको एक लाइन में समझाना चाहे तो इनके सारे प्रोज वही है जो कि आपको मेमोरी फोम में कॉन्स देखने को मिल जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर इसके पहले प्रो की बात करें तो जैसे कि आपको मेमोरी फोम में केमिकल देखने को मिल जाता है, वो जो मेमोरी फोम है वो केमिकल बेस्ड प्रोडक्ट है, वहीं दूसरी तरफ ये जो लेटेक्स मैट्रेस है प्योर नेचुरल प्रोडक्ट है। ये जो लेटेक्स मैट्रेस होते हैं इन्हें रबर के सैप से बनाया
जाते हैं, जो कि एक व्हाइट कलर का लिक्विड होता है जो कि रबड़ प्लांट से निकलता है। तो देखो इनके प्योर नेचर होने के कारण इसमें आपको दो फायदे देखने को मिलते हैं। पहला कि ये हेल्थ के ऊपर कोई भी नेगेटिव इंपैक्ट नहीं डालते हैं। दूसरा कि ये जो रबड़ होता है, ये जो रबड़ का लिक्विड निकलता है, ये बाय नेचर एंटी बैक्टीरियल नेचर का होता है। तो हाँ, लेटेक्स मैटेस में आपको एंटी बैक्टीरियल नेचर का भी फीचर देखने को मिल जाता है, जिनके लिए आपको बाकी मैटेस में 1 से 2 हजार एक्स्ट्रा पे करने होते हैं। अब बात कर लेते हैं इसके नेक्स्ट प्रो के बारे में। तो देखो जैसे कि मैंने ऊपर बात की थी कि ये जो मेमोरी फोम होते हैं इसमें आपको स्लो रिस्पॉन्स देखने को मिल जाते हैं। ये जो मेमोरी फोम होते हैं अपने शेप को रिटेन करने में थोड़ा बहुत टाइम लगाते हैं, लेकिन हाँ वहीं दूसरी तरफ ये जो लेटेक्स मैट्रिक्स होते हैं ये काफी ज्यादा बाउंसी नेचर के होते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि इसमें आपको बहुत ही ज्यादा फास्ट रिस्पॉन्स देखने को मिल जाता है। एंड हाँ, इन्हीं के कारण ये आपके पेरेंट्स के लिए या फिर बेबी के लिए काफी ज्यादा बेहतर ऑप्शन में से एक है। लेकिन हाँ, ये जो लेटेक्स मैट्रिक्स है अपने इसी बाउंसी नेचर के कारण इसमें आपको दो और फीचर देखने को मिल जाते हैं, जो कि है पहला कि ये जो लेटेक्स मैट्रिक्स होते हैं इसमें आपको अच्छा खासा फर्मनेस देखने को मिल जाता है, अच्छा खासा बॉडी सपोर्ट देखने को मिल जाता है। दूसरा कि जो लेटेक्स मैट्रिक्स होते हैं आसानी से सैग नहीं करते, मतलब कि आसानी से अपना फर्मनेस बिल्कुल भी लूज नहीं करते। तो हाँ, हम यहाँ पे एक तरीके से कंक्लूड कर सकते हैं कि ये जो लेटेक्स मैट्रिक्स होते हैं इनकी लाइफ काफी काफी ज्यादा होती है किसी भी मैट्रिक्स के कंपैरिजन में, चाहे वो मेमोरी फोम हो या फिर कोई स्प्रिंग मैट्रिक्स हो। यहाँ पे फर्मनेस से रिलेटेड लेटेक्स मैट्रिक्स में एक और काफी ज्यादा बात इंपॉर्टेंट है कि जब भी आप लेटेक्स मैट्रिक्स को ऑनलाइन खरीद रहे हैं तो आपको बिल्कुल भी नहीं पता कि इसका फर्मनेस लेवल क्या है, क्योंकि आपने टच कर तो देखा नहीं इसे। तो हाँ, आप यहाँ पे ऑनलाइन लेटेक्स मैट्रिक्स के फर्मनेस को डिसाइड कर सकते हैं इनके दो मैट्रिक्स की मदद से, पहला ILD एंड दूसरा डेंसिटी। आप जब भी ऑनलाइन लेटेक्स मैट्रिक्स को खरीदने जाएंगे तो आपको ये दो पैरामीटर देखने को मिलेंगे। पहले बात कर लेते हैं ILD के बारे में। तो देखो ये जो ILD होता है इसका फुल फॉर्म है इंडेंटेशन लोड डिफ्लेक्शन। सिंपल शब्दों में इसका मतलब ये है कि जब भी आप लेटेक्स मैट्रिक्स के ऊपर कोई भी लोड या फिर वेट डालेंगे तो ये जो लेटेक्स मैट्रिक्स है कितना फोर्स एक्सर्ट करेगा अगेंस्ट द लोड या फिर अगेंस्ट द वेट। अगर आपके लेटेक्स मैट्रिक्स का ILD 15 से 20 की रेंज में लाइक करता है तो आपका ये जो लेटेक्स मैट्रिक्स है ये सॉफ्ट कैटेगरी का है। एंड अगर आपके लेटेक्स मैट्रिक्स का जो ये ILD है 25 से 30 तक आता है तो ये जो आपका लेटेक्स मैट्रिक्स है ये मीडियम फॉर्म कैटेगरी में लाइक करता है। एंड हाँ, अगर आपके लेटेक्स मैट्रिक्स का ILD 35 या फिर 35 प्लस है तो ये एक तरीके का हार्ड मैट्रिक्स है। एंड हाँ, वहीं दूसरी तरफ ये जो डेंसिटी का कॉन्सेप्ट है ये ऑलमोस्ट सेम है ILD के कॉन्सेप्ट की तरह। देखो ये जो डेंसिटी है उसका मतलब ये होता है कि पर यूनिट स्क्वायर में आपके कितने पार्टिकल है। अगर पार्टिकल ज्यादा होंगे तो आपके मैट्रिक्स की डेंसिटी ज्यादा होगी और आपका जो मैट्रिक्स है वो हार्ड कैटेगरी में लाइक करेगा। एंड अगर आपके मैट्रिक्स की डेंसिटी कम है, पार्टिकल कम है, तो आपका ये जो मैट्रिक्स है ये सॉफ्ट कैटेगरी में लाइक करेगा। बाकी लेटेक्स मैट्रिक्स में 80 से 85 की जो डेंसिटी होती है वो मीडियम फॉर्म मैट्रिक्स की कंसीडर की जाती है। तो हाँ, यहाँ पे ILD एंड डेंसिटी के कॉन्सेप्ट से आप आसानी से जान सकते हैं कि आपके लेटेक्स मैट्रिक्स का फर्मनेस क्या है। बाकी हमने इंडिया में सबसे ज्यादा बेस्ट लेटेक्स मैट्रिक्स की लिस्ट की वीडियो ऑलरेडी चैनल के ऊपर डाल रखी है, जिसे आप चैनल पेज के ऊपर जाकर चेकआउट कर सकते हैं। तो हाँ, अगर आप लेटेक्स मैट्रिक्स को खरीदने की सोच रहे हैं तो आप उसे चेकआउट कर सकते हैं। बाकी ये तो काफी सारे प्रोस है जो कि आपको लेटेक्स मैट्रिक्स से रिलेटेड देखने को मिल जाते हैं, लेकिन इन सब के अलावा इसमें आपको काफी सारे कॉन्स भी देखने को मिल जाते हैं। पहला कॉन तो ये है कि भाई ये काफी ज्यादा भारी होते हैं। एंड दूसरा कि ये जो लेटेक्स मैट्रिक्स होते हैं काफी काफी ज्यादा महंगे होते हैं एज कम्पेयर टू कोई भी मेमोरी फोम मैट्रिक्स के कंपैरिजन में। ये जो मेमोरी फोम मैट्रिक्स होते हैं ये आपको 10,000 से देखने को मिल जाते हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ ये जो लेटेक्स मैट्रिक्स होते हैं ना इनके सिंगल बेड के साइजेस ही आपको 20,000 से देखने को मिलते हैं। तो हाँ, आप यहाँ पे इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि आपको लेटेक्स मैट्रिक्स के लिए अपनी जेब थोड़ी बहुत ढीली करनी पड़ेगी। बाकी यहाँ पे जो मेजर कॉन देखने को मिल जाता है लेटेक्स मैट्रिक्स से रिलेटेड कि आपको मार्केट में लेटेक्स मैट्रिक्स से रिलेटेड काफी ज्यादा मिलावट देखने को मिल जाती है। यहाँ पे मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको मार्केट में काफी ज्यादा मिक्स क्वालिटी के लेटेक्स मैट्रिक्स देखने को मिल जाते हैं। पहले तरीके का लेटेक्स मैट्रिक्स होता है जिसमें आपको प्योर लेटेक्स देखने को मिल जाता है। एंड दूसरे तरीके का जो लेटेक्स मैट्रिक्स होता है उसे हम कहते हैं सिंथेटिक लेटेक्स मैट्रिक्स। इसमें केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है जिससे आपको लेटेक्स के फीचर प्रोवाइड किए जा सके एंड प्राइस को थोड़ा बहुत कम किया जा सके, लेकिन हाँ ये हेल्थ के लिए उतने ही हार्मफुल होते हैं जितना मेमोरी फोम मैट्रिक्स होते हैं। तो हाँ, मार्केट में आपको काफी ज्यादा मिक्स क्वालिटी के लेटेक्स मैट्रिक्स देखने को मिल जाते हैं केमिकल बेस्ड, जहां पे आपको केमिकल एंड लेटेक्स मैट्रिक्स को मिलाकर थोड़ा बहुत प्राइस कम कर बेचा जाता है। तो हाँ, आपको लेटेक्स मैट्रिक्स खरीदते समय इस बात का भी ध्यान रखना है आपका लेटेक्स मैट्रिक्स प्योर है कि नहीं। इसके लिए आप दो सर्टिफिकेट के ऊपर ध्यान दे सकते हैं, पहला GOTS सर्टिफिकेट एंड दूसरा GOLS सर्टिफिकेट। यहाँ पे GOTS सर्टिफिकेट का मतलब है ग्लोबल ऑर्गेनिक टेक्सटाइल स्टैंडर्ड। अब यहाँ पे इसका मतलब ये है कि अगर आपको ये सर्टिफिकेट आपके मैट्रिक्स के साथ देखने को मिलता है तो इसका मतलब ये है कि आपके मैट्रिक्स में कोई भी हार्मफुल केमिकल का इस्तेमाल नहीं किया गया। एंड दूसरा, अगर आपको आपके मैट्रिक्स के साथ GOLS का सर्टिफिकेट देखने को मिलता है तो इसका मतलब ये कि आपके लेटेक्स मैट्रिक्स में इस्तेमाल किया जाने वाला लेटेक्स एक ट्रस्टेड सोर्स से प्रोड्यूस किया जाता है। एंड हाँ, यहाँ पे GOLS का मतलब है ग्लोबल ऑर्गेनिक लेटेक्स स्टैंडर्ड। तो हाँ, आप यहाँ पे दो सर्टिफिकेट से अंदाजा लगा सकते हैं कि आपका लेटेक्स मैट्रिक्स कितना प्योर है एंड कितना बेहतर है। तो ये थे काफी सारे फीचर्स एंड प्रोज एंड कॉन्स रिलेटेड टू लेटेक्स मैट्रिक्स एंड मेमोरी फोम रिलेटेड मैट्रिक्स। अब यहाँ पे मैं एक और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स के बारे में बताना चाहूंगा, जो कि है हाइब्रिड मैट्रिक्स। अब यहाँ पे इस मैट्रिक्स के नाम से क्लियर कि इसमें आपको हाइब्रिड नेचर देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पे इसका मतलब ये कि आपको अपने मैट्रिक्स में डिफरेंट टाइप ऑफ मैट्रिक्स के फीचर देखने को मिल जाते हैं। फॉर एग्जांपल, लेटेक्स प्लस मेमोरी फोम, मेमोरी फोम प्लस स्प्रिंग मैट्रिक्स, लेटेक्स मैट्रिक्स प्लस कॉइल मैट्रिक्स एंड ऐसी कई सारे ऑप्शंस आपको देखने को मिल जाते हैं इस हाइब्रिड मैट्रिक्स के ऑप्शन में। तो हाँ, यहाँ पे एक तरीके से ये जो हाइब्रिड मैट्रिक्स होता है ना, ये आपको एक तरीके से फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। अगर आप प्योर लेटेक्स मैट्रिक्स को अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप लेटेक्स प्लस मेमोरी फोम के हाइब्रिड मैट्रिक्स के साथ जा सकते हैं, जो कि आपको सस्ता पड़ता है एज कम्पेयर टू प्योर लेटेक्स मैट्रिक्स। एंड हाँ, वहीं दूसरी तरफ लेटेक्स प्लस कॉइल का जो कॉम्बिनेशन होता है वो काफी ज्यादा बेहतर होता है ऑर्थोपेडिक सपोर्ट के लिए। तो हाँ, ऑर्थोपेडिक सपोर्ट के लिए भी आप हाइब्रिड मैट्रिक्स को कंसिडर कर सकते हैं। ये जो हाइब्रिड मैट्रिक्स होते हैं इनके दो फायदे होते हैं, पहला कि ये सस्ते होते हैं एंड दूसरा कि इसमें आपको काफी सारे फ्लेक्सिबिलिटी देखने को मिल जाते हैं, काफी सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं। तो हाँ, ये भी एक ऑप्शंस है जो कि आप मार्केट में कंसिडर कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कुछ सवालों के बारे में जिससे रिलेटेड काफी ज्यादा लोग कंफ्यूज रहते हैं। पहला सवाल ये कि ये जो डनलॉप या फिर टेलेले लेटेक्स होता है ये क्या होता है।
तो देखो ये जो यहाँ पे डनलॉप या फिर टेलेल है, एक तरीके का प्रोसेस है जिससे ये जो लेटेक्स मैटिस है ये बनाए जाते हैं। ये जो डनलॉप प्रोसेस होता है इससे जो लेटेक्स मैटिस बनाया जाता है इसमें जो डेंसिटी होती है वो थोड़ी बहुत डिफरेंट होती है डिफरेंट लेयर्स में, जिसके कारण क्या होता है कि इसमें आपको दो साइड के ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, सॉफ्ट एंड मीडियम फॉर्म। इसका कारण ये है कि जितने भी डनलॉप प्रोसेस से लेटेक्स मैटिस बनाए जाते हैं उनमें जो डेंसिटी होती है वो नीचे की तरफ ज्यादा होती है एंड ऊपर की तरफ आते आते डेंसिटी थोड़ी बहुत कम हो जाती है, जिसके कारण क्या होता है कि आपको सॉफ्ट एंड मीडियम फॉर्म के ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ ये जो टेलेले प्रोसेस से लेटेक्स मैटिस बनाए जाते हैं इसमें थ्रू आउट जो डेंसिटी होती है लेटेक्स मैटिस की एकदम सेम होती है, जिसके कारण क्या होता है कि जो टेलेले प्रोसेस से लेटेक्स मैटिस बनाए जाते हैं ये सॉफ्ट नेचर के होते हैं। एंड हां, ये काफी ज्यादा महंगे भी होते हैं एज कंपेयर टू डनलॉप प्रोसेस से जो लेटेक्स मैटिस बनाए जाते हैं। मार्केट में जो आपको ज्यादातर लेटेक्स मैटिस देखने को मिलते हैं वो डनलॉप प्रोसेस से बनाए जाते हैं, क्योंकि ये थोड़े बहुत सस्ते पड़ते हैं एज कंपेयर टू टेलेले प्रोसेस से। एंड दूसरा कि ये जो डनलॉप प्रोसेस से लेटेक्स मैटिस बनाए जाते हैं इसमें आपको फॉर्मुला से रिलेटेड काफी ज्यादा बेहतर ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। एंड हां, यहां पे आप दोनों प्रोसेस से रिलेटेड हाइब्रिड ऑप्शन के साथ भी जा सकते हैं, जैसे कि हमने ऊपर बात की कि आप अपने मैटिस में ऊपर के लिए टेलेले लेटेक्स की लगा सकते हैं ज्यादा सॉफ्टनेस के लिए एंड नीचे की तरफ देने के लिए आप डनलॉप लेटेक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हाँ, ये भी एक ऑप्शन है जो कि आपको मार्केट में देखने को मिल जाता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट सवाल के बारे में कि भाई हीटिंग इश्यू से रिलेटेड कौन सा मैटर्स ज्यादा बेहतर है, लेटेक्स या फिर मेमोरी फोम। तो देखो, हमने ऊपर ऑलरेडी बात करी रखी कि ये जो मेमोरी फोम मैटर्स होते हैं कि इसमें आपको हीटिंग इश्यू से रिलेटेड काफी ज्यादा प्रॉब्लम देखने को मिल जाती है, क्योंकि इसमें आपको कोई भी प्रॉपर एयर सर्कुलेशन देखने को नहीं मिलता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ ये जो लेटेक्स मैटर्स होते हैं ना, इनमें आपको काफी सारे पिन कोर होल्स देखने को मिल जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि इसमें आपको अच्छा खासा एयर सर्कुलेशन देखने को मिलता है। एंड हां, इसमें आपको हीटिंग इश्यू के चांसेस ऑलमोस्ट ना के बराबर देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि कौन सा मैटर्स बॉडी सपोर्ट ज्यादा बेहतर प्रोवाइड करता है। तो देखो, जैसे कि हमने ऊपर बात की कि ये जो मेमोरी फोम मैटर्स होते हैं ये आपकी बॉडी के अकॉर्डिंगली एडजस्ट हो जाते हैं, सिंकिंग वाला फीचर आपको प्रोवाइड करते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि ये जो मेमोरी फोम मैटर्स होते हैं ये पेन रिलीफिंग में काफी ज्यादा बेहतर ऑप्शन में से एक है। लेकिन हाँ, यहाँ मेमोरी फोम के सिंकिंग वाले फीचर के कारण इसमें आपको स्लो रिस्पॉन्स देखने को मिल जाता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ ये जो लेटेक्स मैटर्स होते हैं इसमें आपको अच्छा खासा बाउंसी नेचर देखने को मिलता है, जिसके कारण क्या होता है कि इसमें आपको जो फॉर्मनेस लेवल देखने को मिल जाता है, बॉडी सपोर्ट लेवल देखने को मिलता है, वो मेमोरी फोम से ज्यादा बेटर होता है। तो हाँ, यहाँ पे बॉडी सपोर्ट के मामले में लेटेक्स मैटर्स ज्यादा बेटर ऑप्शन है। और हाँ, यहाँ पे हमने एज सपोर्ट के बारे में तो ऑलरेडी ऊपर बात करी रखी कि एज सपोर्ट को लेकर भी लेटेक्स मैटर्स ज्यादा बेटर ऑप्शन में से एक है। अब बढ़ते अपने नेक्स्ट सवाल के बारे में कि भाई दोनों मैटर्स में से कौन सा मैटर्स ज्यादा बेहतर है। तो देखो, ये सवाल थोड़ा बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गया। देखो, ये दोनों ही मैटर्स अपने अपने हिसाब से काफी ज्यादा बेहतर हैं। ये जो मेमोरी फोम मैटर्स ये आपको थोड़ा बहुत अफोर्डेबल प्राइस में देखने को मिल जाते हैं एंड ये जो मेमोरी फोम मैटर्स होते हैं थोड़ा बहुत हल्के फुल्के बैक पेन के इशू के लिए एंड ब्लड सर्कुलेशन इशू के लिए काफी ज्यादा बेहतर ऑप्शन में से एक होते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ ये जो लेटेक्स मैटर्स होते हैं ये थोड़े बहुत महंगे होते हैं। लेकिन हाँ, इनके काफी सारे प्रोज हैं जो कि आप ऊपर देख ही चुके हैं कि जो लेटेक्स मैटर्स होते हैं काफी ज्यादा लंबा चलते हैं एज कम्पेयर टू किसी भी मेमोरी फोम मैटर्स या फिर किसी भी स्प्रिंग मैटर्स के कंपैरिजन में। एंड दूसरा कि इसमें आपको अच्छा खासा मीडियम फॉर्मनेस देखने को मिल जाती है, अच्छा खासा बॉडी सपोर्ट देखने को मिलता है। तो हाँ, दोनों ही मैटर्स अपने अपने पॉइंट में काफी ज्यादा बेहतर ऑप्शन में से एक है। तो ये था डिटेल कंपैरिजन बिटवीन लेटेक्स मैटर्स एंड मेमोरी फोम बेस्ड मैटर्स। एंड हां, यहां पे मैं आपको फिर से याद दिला दूं कि हमने बेस्ट लेटेक्स मैटर्स की वीडियो एंड बेस्ट मेमोरी फोम मैटर्स की वीडियो ऑलरेडी चैनल के ऊपर डाल रखी है, जिसे आप चेकआउट कर सकते हैं। बाकी अगर आपको मैटर्स रिलेटेड वीडियो देखना पसंद है तो आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। एंड मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।